रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन है एक्स में टॉर्क जीरो, वाई में फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो। अब टॉर्क जीरो अबाउट विच पॉइंट, और आंसर है बड़ा आसान इसका, अबाउट एनी पॉइंट। तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो की इक्वेशन लिख सकते हैं। इट डजंट मीन कि हमारे पास ढेर सारी इक्वेशन आ जाएगी, ओवरऑल मिलके तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है, तो ये बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब बस हम यहां थोड़ा सा इसका रिविजन कर रहे हैं। तो यहां टॉर्क निकालने के लिए हमें समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चाहिए। अब देखते हैं ग्रेविटी का किधर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बायोएंसी का किधर है, बायोएंसी मतलब थ्रस्ट, सेंटर ऑफ बायोएंसी या सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तीसरा स्यूडो का कहां है, अगर स्यूडो कांस्टेंट है तो स्यूडो का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पे होगा। ठीक है, अब मेन इसमें नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन है, इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, खासकर तब जैसे ये बॉडी है इसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास होगा, फ्रिक्शन भी यहां से। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट है, तो फ्रिक्शन इस लाइन पे कहीं तो आएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी आ सकता था, और वो नॉर्मल रिएक्शन यहां से यहां कहीं भी आ सकता है। वो कहां आएगा वो फोर्स की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये हम अभी टॉपलिंग डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम एन के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा सिमुलेशन देखते हैं। अब देखिए पहला सिमुलेशन है कि यहां पे ये बॉडी है, इसका मास है 0.4, तो इसका mg कहां से लगेगा, सेंटर ऑफ मास, mg आएगा यहां पे, टेंशन आएगा यहां पे, ऑब्वियसली इनको रोकने के लिए रिएक्शन आएगा, और टर्निंग इफेक्ट कटेंगे, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 2x है, तो mg की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसको सॉल्व करने पे ये इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ठीक है, देख लेते हैं हमारी वैल्यूज मैच कर रही हैं। तो जैसा हमने उम्मीद किया था कि यहां पे ये डिस्टेंस चूंकि 2x है, ये डिस्टेंस x है, डिस्टेंस डबल है, इसीलिए फोर्स आधा हो गया और टॉर्क कट गया। इसका और इसका समेशन इसके पास है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल में कहीं मोशन ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं। इसी को थोड़ा और एनालाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक मास इसके ऊपर रख रहा हूं। अब अगर मास मैंने एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर रखा, तो ये मास भी 4 न्यूटन का है और एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, तो टोटल फोर्स कितना आ गया, 4 और 4 8, और इसको बैलेंस करने के लिए 16। अब अगर ये आगे खिसकेगा तो अब टॉर्क के कैलकुलेशन क्या आएंगे, एक इसका टॉर्क कुछ बड़ा टॉर्क आएगा, तो इसका इफेक्ट 8 आ रहा था, इसका इफेक्ट 8 से भी ज्यादा आएगा, इसीलिए आंसर देखिए 16 से ज्यादा आ गया। तो अगर हम इसको मूव कराएंगे तो देखिए टेंशन बढ़ रही है, और ऑब्वियसली हर इंस्टेंट पे, अब किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो इस फोर्स का और इन दोनों का समेशन इसके पास है। ठीक, और अगर मैंने इसको आगे ले गया, टॉर्क बढ़ता गया, टेंशन बढ़ती गई, अगर मैं उठा के इसको इस तरफ ले आऊं तो टर्निंग इफेक्ट उल्टा आएगा, टेंशन कम हो गई। लेकिन अगर इसी को बिल्कुल हिंज पे कोइंसाइड करा देते, लगभग हिंज पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अब आप देखिए रिएक्शन 4 और लगभग ये 8 है, क्योंकि इसकी वजह से एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं आया। ठीक, तो पहले में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें सीधे सीधे दिख रहे थे, सेकंड में अब हम देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हटा दिया मैंने, अब हम इसकी स्टडी करते हैं। नीचे रफ सरफेस है,
अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्चुअली एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, वो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, लेकिन किस तरफ आएगा? तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो पहले रॉड की टेंडेंसी देखेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो देखिए रॉड इस तरफ खिसक रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन राइट साइड आएगा। तो अब इस सिमुलेशन को फिर से देख लेते हैं। तो अब हमारी इक्वेशंस देखते हैं क्या बनेगी। इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, इस पे फ्रिक्शन ये आएगा, इस पे टेंशन ये आएगी, इसका मास अब भी 0.4 है, मतलब एम जी की वैल्यू 4 है और ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, यहां से देखे वेरीफाई कर ले, एंगल 45 डिग्री, तो एंगल है 45 डिग्री। अब हम इस पे देखें तो एक फोर्स एम जी यहां लग रहा होगा, ये 45 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम तीन इक्वेशन चाहिए, तो ये भी एंगल 45 है, तो टी का कॉस 45 प्लस एन इक्वल टू एम जी एक इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल में टी का सॉरी ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये हमारा फ्रिक्शन था, ये हमारा एम जी था सेंटर ऑफ मास पे, ये हमारा टी था। अब इक्वेशंस लिखते हैं, ये एंगल 45, ये 45, तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस 45 प्लस एन इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल में टी का साइन 45 ही फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, इस टी का इस तरफ वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। अब टॉर्क की इक्वेशन क्यों ना हम टॉर्क की इक्वेशन इसके अबाउट लिख लें, और इसके अबाउट लिखते तो एम जी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता ये एल बाय टू, एम जी के साथ आता एल बाय टू का 1/√2, और टेंशन के साथ आएगा डिस्टेंस एल, तो टी इंटू एल। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एल से एल कटा, टेंशन आया एम जी बाय 2√2, यहां से इसमें छापो तो फ्रिक्शन आया एम जी बाय 4, 2√2 और 1/√2, यहां छापे तो ये एम जी बाय 4 है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 3 mg/4। तो इससे हम कह सकते हैं कि मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड एफ बाय एन होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि फ्रिक्शन एम जी बाय 4 है, नॉर्मल रिएक्शन 3 mg/4, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/4 चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दी। तो देखिए जैसा हमने कैलकुलेट किया था, फ्रिक्शन आया 1, नॉर्मल रिएक्शन 3, mg 4 था और टेंशन mg बाय 2√2 है, तो 4/√2, तो √2 1.414, तो ये वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब इससे हम एक और बात निकाल चुके हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, तो जब तक म्यू 1/4 से बड़ा होगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो का बना रहेगा। तो अब हम इसको बदल के देखते हैं, अब हम यहां म्यू बदलेंगे, तो देखिए म्यू कम कर रहा हूं लेकिन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन म्यू एन नहीं है, ये लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन स्टैटिक है जो कि वेरिएबल है, तो म्यू कम करने से फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक की स्लिपिंग नहीं हो जाती, और स्लिपिंग हो रही है 0.25 पे, अब भी फर्क नहीं पड़ा, अब भी। ओके सॉरी, म्यू की वैल्यू वो हमने गलत निकाली थी, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ बाय एन था, एफ एम जी बाय 4 था, ये 3 mg/4 था, सॉरी 1/3 आया था, तो 3.33, तो 0.33 म्यू की वैल्यू है।
0.33 से बड़े पे स्लिप नहीं होगा, छोटे पे स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और दिखा देता हूं मैं इसको। तो अभी देखिए, फ्रिक्शन की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू 1/3। कम से कम 1/3 चाहिए, हमारे पास 1 अवेलेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम करते जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन 0.4 तक। लेकिन जो ही 0.3 पर स्विच मारूंगा, ये स्लिप कर जाएगा, ये स्लिप कर गया। म्यू बढ़ा दू तो शायद फिर रुक जाएगा। ठीक है, अब थर्ड सिमुलेशन देखें। थर्ड सिमुलेशन फिर से, थर्ड सिमुलेशन में कुछ इस तरह था। तो पहले अब हमें फोर्सेस देखने हैं, तो इस पे आएगा टी, एक इस पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, कलर ले लेता हूं, अच्छा वाला कुछ, इस पे आएगा एमजी, इस पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे घूमता, अगर फ्रिक्शन यहां नहीं होता। बना के दिखा देता हूं, अगर फ्रिक्शन इसमें नहीं होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां जीरो कर देता हूं। देखिए टेंडेंसी इस तरफ है, तो अब हम इस सिमुलेशन को रिसेट करते हैं और फिर आते हैं अपने उसी सिमुलेशन पे। तो इससे हमें टेंडेंसी समझ में आ गई। अब फ्रिक्शन देखें किस किस तरफ है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस तरफ है, टेंशन इस तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, mg इधर है, ये फोर्सेस थे। हॉरिजॉन्टल, अब हमें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम एटसेट्रा, ये सब चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हमें ये थीटा वीटा चाहिए पड़ेगा। लेकिन हम इक्विलिब्रियम की जगह हम यहां क्या करते हैं, इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं। इसके अबाउट टॉर्क लेने से यह फायदा होगा कि सिर्फ फ्रिक्शन और टेंशन का टॉर्क बचेगा, बाकी इन दोनों के टॉर्क कट गए, और दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, तो एफ और टी आपस में बराबर है, एक इक्वेशन। ठीक, दूसरा, हम अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लें, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किस किस का आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन का और एक टेंशन टी का। ठीक है, तो इससे नॉर्मल रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये है टेंशन का, तो एक इक्वेशन ये आ गई। और एक चाहे तो हम टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ले लें। जब आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो इसका और इसका टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ mg और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा। तो सॉल्व कर लेना, हम इसका सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बना के विजुलाइज करा दे रहे हैं। अब वैल्यूज अगर देखें तो यहां देखिए, फ्रिक्शन और इसकी वैल्यू आपस में बराबर है, वजह इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क लिया, तो इन दोनों का आया नहीं, इन दोनों का है। नॉर्मल रिएक्शन और एमजी की वैल्यू में कोई खास अंतर दिख नहीं रहा है, वो लगभग आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता, और इससे जो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन रफली सेम आएगा, क्योंकि ये थ्रेड हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक, अदरवाइज आप एक्स और वाई लेके सॉल्व कर सकते थे। यहां पे एक ही फ्रिक्शन इन्वॉल्व था, लेकिन अगर एक से ज्यादा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते, एक और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, और एग्जाम में एडवांस में खासकर कई बार इसको लेके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है, ये रॉड इस तरह रखी हुई है, और इसका कुछ मास एम है, एंगल कोई 45 होगा, थीटा मान लेते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। तो एम एक रॉड है, थीटा लेंथ एल है, हम थीटा मान लेते हैं इसको, थीटा के टर्म में आंसर निकालेंगे। तो ये रॉड एक दो ग्राउंड ग्राउंड और वॉल के बीच में इस तरह रखी हुई है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता इसमें, क्योंकि काफी आसान है कि टेंडेंसी क्या होगी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एंड इधर गिरता, ये एंड इधर गिरता,
तो ये रॉड ऐसे गिरती, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर आएगा, इस पे फ्रिक्शन नीचे आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम है, जैसे हम सिमुलेशन रन करते हैं और इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो स्टैटिक होगा। अब हम इसमें वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये अगर mg होता, ये अगर इसका mg माना मैंने, इस पे नॉर्मल रिएक्शन n1, इस पे फ्रिक्शन f1, इस पे फ्रिक्शन f2, इस पे नॉर्मल रिएक्शन n2। अब इक्विलिब्रियम में है, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में चेक करेंगे, पहले अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। तो F1 की वैल्यू N2 है, एक इक्वेशन F1 N2 बराबर, दूसरा N1 प्लस F2 ही MG के बराबर है, N1 और F2 MG के बराबर। और तीसरा मैं किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूं, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट, बॉटम के अबाउट टॉर्क ले लूं, तो MG इंटू L/2 का कॉस थीटा। MG की टेंडेंसी इस तरफ घुमाने की, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन की टेंडेंसी दोनों की इस तरफ घुमाने की, तो N2 इंटू L sin थीटा प्लस F2 इंटू L cos थीटा। अच्छी बात है, F2 ही म्यू N2 है। F2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू N2 अगर हम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। अगर लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं तो F2 म्यू N2 है, अदरवाइज F2 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो हम वो केस निकालना चाह रहे हैं जस्ट जब ये स्लिप करेगा। तो F2 को म्यू N2 छापा, तो यहां N2 की वैल्यू मिल गई, तो F2 को म्यू N2 छापें, और यहां से F1 F2 को म्यू N2 छाप सकते हैं। यहां से इस इक्वेशन में N1 N1 को म्यू F1, और क्यों ना मैं म्यू वन म्यू टू अलग अलग ले लूं, सो दैट इसको म्यू वन मानू, इसको म्यू टू मानू। तो N1 की वैल्यू म्यू F1 प्लस F2 इक्वल टू MG, F1 की वैल्यू, सॉरी F1 बाय म्यू, N1 की वैल्यू F1 बाय म्यू, F2 MG। F1 की वैल्यू उठा के मैंने N2 छाप दी, N2 बाय म्यू। F2 की वैल्यू म्यू N2 है, ये म्यू वन, ये MG के बराबर। तो N2 की वे एक वैल्यू यहां से मिली, N2 की एक वैल्यू यहां से मिली, तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी मिली, म्यू वन MG अपॉन 1 प्लस म्यू वन म्यू टू। यहां से N2 की वैल्यू कितनी मिली, L कट गया, MG बाय 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एमजी बाय टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दोनों वैल्यूज हम बराबर कर देते हैं, तो ये हमारी लिमिटिंग इक्वेशन आ गई, और ये म्यू टू था, म्यू वन एमजी अपॉन 1 प्लस म्यू वन म्यू टू इक्वल टू एमजी 1 बाय टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू टू कॉस थीटा। एमजी से एमजी काट दिया, तो ये हमारी एक कंडीशन बनी। चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, म्यू वन साइन थीटा प्लस म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा इंटू टू इधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा म्यू वन म्यू टू। कॉस थीटा एक तरफ करो, साइन थीटा एक तरफ करो, ठीक है। तो ये कॉस थीटा अगर हम इधर ले गए, साइन थीटा इधर छोटा छोड़ा, तो 2μ1 साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा।
तो टेन थीटा की वैल्यू 1 माइनस म्यू 1 म्यू 2 बाय 2 म्यू 1, जैसे भी आप सॉल्व करके निकाल देना। ये हमने पूरा सॉल्व किया और ये वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। म्यू 1 नीचे का था। अब ये सॉल्व करने पे हमें म्यू 1 ये मिला, म्यू 2 ये मिला और ये थीटा मिला, और टेन थीटा आया। टेन थीटा आया हमारा 1 माइनस म्यू 1 म्यू 2, ठीक है। वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर म्यू 1 म्यू 2 दोनों जीरो छाप देता, अगर इवन अकेला म्यू 1 ही जीरो हो जाता तो टेन थीटा इंफिनिटी आता, मतलब थीटा पाई बाय 2 इकलौता सॉल्यूशन है। मतलब अगर यहां फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकती, आप ये वैल्यू कितनी भी क्यों ना कर दें। अब पहले हम ये जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर सिमुलेशन में चेक करेंगे। अगर यहां पे फ्रिक्शन जीरो हो गया तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम एन इधर है, इस पे एन डैश इधर है, इस पे फ्रिक्शन कितना भी आ जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचा, इस एन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखें, ग्राउंड पे अगर मैं फ्रिक्शन कम कर दूं, देखें ग्राउंड पे फ्रिक्शन कम किया, ये स्लिप कर गया, ऊपर भले ही फ्रिक्शन अच्छा खासा अवेलेबल है, फ्री बॉडी डायग्राम के साथ देखें, देखिए इसको थोड़ा, ग्राउंड पे मैंने फ्रिक्शन जीरो किया, कम किया, जो ही ग्राउंड पे फ्रिक्शन कम पड़ गया ये मूव कर गया। लेकिन जरा इसका उल्टा देखते हैं, ठीक है। अब मैंने ग्राउंड पे इनफ रख दिया फ्रिक्शन, अब मैं क्या करता हूं, हमारा फॉर्मूला जो आया था टेन थीटा 1 माइनस म्यू 1 म्यू 2 बाय 2 म्यू 1, अब मैं म्यू 2 जीरो करता हूं तो टेन थीटा आया 1 अपॉन 2 म्यू 1। एक ऐसा एंगल मिलेगा, मतलब ऊपर फ्रिक्शन में जीरो कर दूं तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, और बात सही है कि इस बार इस हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने वाला मौजूद है, वर्टिकल भी बैलेंस हो गया और टॉर्क भी बैलेंस हो गया। लेकिन पहले ये और समझ लेते हैं कि आखिरकार ये थीटा जो मिला है वो थीटा मिनिमम है या मैक्सिमम है, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन इनवर्स ये आना है या लेस देन और इक्वल टू आना है। यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि अगर मैं इसका एंगल बड़ा रख दूं तो इक्विलिब्रियम में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन छोटा रख दूं तो इक्विलिब्रियम, देखिएगा अभी भी इक्विलिब्रियम है, अभी भी है, अभी भी शायद इक्विलिब्रियम है, अब नहीं है लेकिन। और अगर इस एंगल पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है ये, इस एंगल पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके नीचे इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, देखें, लेकिन उससे बड़े पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ये फील आना चाहिए, ये फील आना बहुत जरूरी है कि
यहां फ्रिक्शन जीरो हो चलेगा, लेकिन यहां फ्रिक्शन जीरो हो नहीं चलेगा, तो यहां नॉन जीरो होना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों जगह फ्रिक्शन आएगा तो हमारे एंगल की लिमिट, जैसे ये 1/2 μ1 है, अगर μ2 नॉन जीरो है तो ये एंगल और छोटा आएगा क्योंकि न्यूमरेटर और छोटा हो गया, मींस और छोटे एंगल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो बस बेनिफिट क्या होगा इस वाले म्यू का कि हम और छोटे एंगल पे ये रॉड रख सकते हैं। तो ये और देख लेते हैं, तो देखिएगा अभी एंगल किस एंगल पे स्लिप कर रहा था, इधर कहीं स्लिप कर रहा है, थर्टी सिक्स 35 डिग्री के आसपास। अब मैं ये म्यू वॉल का ले लेता हूं इतना, तो अब देखिए इससे छोटे एंगल पे भी स्लिप नहीं कर रहा है, अब भी नहीं कर रहा है, कभी ना कभी स्लिप जरूर करेगा, ये स्लिप करने लगे। तो लगभग यहां स्लिप करना चालू किया और ये एंगल 36 से तो काफी कम है, 18 डिग्री के आसपास, 17 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा रिजल्ट हमारा समझ में आया होगा कि ये जो आंसर आया μ1 μ2 ये हमारा आया, और थीटा इससे बड़ा होना चाहिए, बड़े एंगल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इस पे इक्विलिब्रियम है तो इससे बड़े पे पक्का इक्विलिब्रियम है, लेकिन इससे छोटे पे इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ये हम जो इक्वल टू होल्ड करते हैं, इक्वालिटी होल्ड करते हैं, वो क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, उससे बड़े पे हमारा इक्विलिब्रियम बना रहेगा, छोटे पे डिस्टर्ब हो जाएगा। लेट्स सी वन मोर सिमुलेशन वेयर देयर आर मल्टीपल फ्रिक्शंस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स टू क्रूशियल। लेट्स सी, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक रॉड है, रॉड को यहां हिंज कर रखा है, दोनों का मास 1-1 किलोग्राम है, लेट इट बी एम, दोनों का मास एम एम किलोग्राम है, एंगल 45 डिग्री है। अब इसमें ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, फ्रिक्शन मैंने अच्छा खासा दे रखा है, इसीलिए इस समय पे ही इक्विलिब्रियम में, देखिए सिमुलेशन रन करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। अब हम यहां देखते हैं कि आखिरकार फ्रिक्शंस कौन से कहां लग रहे होंगे, तो एक फ्रिक्शन यहां होगा, एक फ्रिक्शन यहां होगा, ठीक है। इन दोनों फ्रिक्शन की हमें डायरेक्शन पता करनी है। अब डायरेक्शन पता करने के लिए हमेशा ये सोचिए, जैसे इसकी डायरेक्शन पता करनी है, अगर ये फ्रिक्शन जीरो होता, जीरो होता तो कोई टेंजेंशियल इन पर फोर्स नहीं होता, और अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता और ये फ्रिक्शन आप लार्ज मान लो, तो यहां फ्रिक्शन है नहीं और यहां फ्रिक्शन है, तो ये केस सीधे ऐसा हो जाएगा कि ये इसके अबाउट ऐसे रोल करना चालू कर देगा। रोल करेगा मतलब इस पॉइंट की टेंडेंसी इधर है, मींस इस पे जो फ्रिक्शन आएगा डिस्क पे इस तरफ आएगा, क्योंकि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो रोल करना चालू कर देता। तो देखिए हम टॉप का फ्रिक्शन जीरो कर देते हैं, अभी ये सिमुलेशन इक्विलिब्रियम में, ऊपर में फ्रिक्शन कम कर रहा हूं, और देखिए टेंडेंसी समझ में आ गई होगी कि ये इस तरफ जा रहा है, इसीलिए इस पे अगर फ्रिक्शन आएगा तो इस तरफ आएगा, इस पॉइंट के अबाउट फिलहाल रोल कर रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं नीचे वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो यहां फ्रिक्शन इनफ होता मतलब यहां स्लिपिंग नहीं होती, तो और यहां फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाता तो ये इसके अबाउट स्लिप करना चालू कर देता, मतलब इस पॉइंट की टेंडेंसी इधर होगी और फ्रिक्शन इस पे पीछे आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं नीचे का फ्रिक्शन कम कर रहा हूं, सॉरी सिमुलेशन रन नहीं किया, अब मैं नीचे का फ्रिक्शन कम कर रहा हूं, और देखिए टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी इस तरफ घूमने की आई, फ्रिक्शन इधर,
तो अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा कि इस पर फ्रिक्शन आएगा इधर, इस पर फ्रिक्शन आएगा इधर, एक इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो डिस्क पे नॉर्मल रिएक्शन इधर, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर, ऑब्वियसली इस पे फ्रिक्शन इधर, F1, F1। अब चूंकि सभी कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो ये MG है, ये RY है, ये RX होगा। तो ये रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम अलग हो गया, और रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम काफी आसान है, क्योंकि रॉड पे ये RY है, ये N है। इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क ले लूं, ये लेंथ 1:2 दिख रही है, तो ये L/2 है, ये L है, तो इसके अबाउट टॉर्क लूं, तो MG की टेंडेंसी इधर है, N की इधर है, तो N(L)(MG)L/2, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन MG/2 हो गया। तो अब हमें ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका मास अगर m है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था MG/2 मिल चुका है, फ्रिक्शन को इसका रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर देगा। अब मेन डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, डिस्क पे एक इधर है एक इधर है, फ्रिक्शन F1 F2, एक पुशिंग फोर्स n इधर है, एक इसका खुद का mg इधर है, एक पुशिंग फोर्स इधर है। तो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना लेता हूं। अब देखिए, अब हमें वैल्यूज मिल गई, डायरेक्शंस मिल गए। अब अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं, इस पॉइंट के अबाउट देखूं, तो देखिए ये वाला एन, ये एमजी और ये एन, इनके टॉर्क तो कट गए, तो इस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन के टॉर्क कटने चाहिए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों का फ्रिक्शन F1 और F2 आपस में बराबर आएगा। एक इक्वेशन, तो टॉर्क की इक्वेशन लिख चुके हैं, अब ट्रांसलेशन रोटेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब हम इसके चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। अब इस डायरेक्शन में फोर्सेस कौन-कौन से हैं, इस डायरेक्शन में ये वाला एन, ये वाला एमजी, इस एन का तो रोल आएगा नहीं, इस एन का रोल आएगा, और ये एन MG/2 हम निकाल चुके हैं, तो क्यों ना हम टोटल 3 MG/2 मान लें डाउनवर्ड। और 3 MG/2 के cos 45 को कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस करना इस नॉर्मल रिएक्शन के तो बस का है नहीं, तो इसको बैलेंस करने वाला है ये फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट। तो ये फ्रिक्शन एफ है और ये भी एफ है, लेकिन F/√2 आएगा, F cos 45। और इसको सिंपलीफाई करें तो एफ की वैल्यू 3 MG/2 cos 45 1 + sin 45। एम की वैल्यू क्वेश्चन में 1 थी, तो ये हो गया 15, ये 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2, 15/√2 + 1। ठीक है, फिर देखिए एक बार और इक्वेशन ही कि इस दौरान मैंने जो रिजोल्व किया है इस डायरेक्शन में, रिजोल्व किया है इस डायरेक्शन में, तो एक एमजी का मैंने एमजी और एन को कंबाइन मान लिया था, तो इस mg का हॉरिजॉन्टल, इस n का हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द प्लेन, और इस फ्रिक्शन का और इस फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट, तो ये दो mg और n के इन कंपोनेंट के बराबर है, ये फ्रिक्शन आ गया इतना, और ये 15 √2 - 1 लिखा है, 15 × 0.414, 6.2 के आसपास। तो ये हमने कैलकुलेशन किया, फ्रिक्शन हमारा आ गया 6.2, लेकिन हमें मिनिमम म्यू निकालना था और दोनों 6.2 हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी MG/2 आ गया था, MG/2 मतलब 0.5, तो यहां पे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन 6.2 है, नॉर्मल रिएक्शन MG/2 है, मतलब 0.5 × g 5 है, तो म्यू रिक्वायर्ड F/N 6.2/5,
1.24 के ये है। म्यू की वैल्यू ये, और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां म्यू की वैल्यू 1.24 आई, अगर 1.24 से कम हो गया तो यहां पे स्लिप कर जाएगा। यहां चाहिए तो मुझे ये नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, और ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करनी पड़ेगी। इस डायरेक्शन में mg का cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का cos थीटा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन mg का cos 45, ये नॉर्मल रिएक्शन mg by 2 था, उसका cos 45। लेकिन इस फ्रिक्शन का भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, प्लस फ्रिक्शन का cos 45, n का, फ्रिक्शन का, ये दोनों mg का इज इक्वल टू ये n बॉटम पे, ठीक। चलो mg 10 था, ये 5 था, ये 6.2 है, तो 10 5 15 और 6 21, 21.2 cos 45। cos 45 मतलब 1/√2, मतलब 0.7 के करीबन, तो नॉर्मल रिएक्शन 15.2 के आसपास आ गया, 15 के करीबन आ गया, एग्जैक्ट निकालते रहेंगे, 15 के आसपास नॉर्मल रिएक्शन आंसर आ गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये आंसर है, और यहीं से समझ में आ रहा है कि यहां देखिए फ्रिक्शन बड़ा है, नॉर्मल रिएक्शन छोटा है, तो म्यू रिक्वायर्ड 1 से बड़ा होगा, लेकिन यहां म्यू रिक्वायर्ड 1 से छोटा है, और कितना 6.2/15। मींस अगर ये फ्रिक्शन 6.2/15 से कम कर दोगे तो यहां स्लिपिंग हो जाएगी, मतलब टेंडेंसी इधर होगी, और अगर ये म्यू हमने कितना आया था 1.2 के करीबन, अगर इससे कम कर दिया तो ये इस पॉइंट पे स्लिपिंग चालू हो जाएगी ऐसी, ठीक। तो फाइनल हमारे आंसर आ गए कि म्यू टॉप पे 1.24, म्यू बॉटम पे मिनिमम चाहिए 0.6/15 के करीबन ये चाहिए। तो देखिएगा टॉप पे स्लिपिंग कब होगी, तो अब हम ये भी देख लेते हैं, अभी स्लिप नहीं कर रहा है, अभी स्लिप नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है, 1.3 1.2 पे स्लिप करना चालू कर गए, क्योंकि हमारा आंसर 1.24 है, और देखिए टेंडेंसी कैसी आ गई, ऐसी यहां स्लिप अभी भी नहीं कर रहा है। ऐसे ही अब हमें यहां भी पता है कि अगर मैं यहां पे 6.2/15, ठीक है, तो कितना बनेगा 0.4 के आसपास, तो 0.4 से कम कर दूंगा तो नीचे स्लिप कर जाएगा। देखिए अभी भी नहीं कर रहा है, अब कर गया। चलो हम कंडीशन ऑफ टॉपलिंग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार टॉपलिंग में होता क्या है। तो देखिए जैसे ये आपको एक सिंगल बॉडी दिख रही है, अभी इस बॉडी पे एकलौता फोर्स mg है, ऑब्वियसली इसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास हो रहा है। अब मैं इस बॉडी पे एक वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूं। अब देखिए जो ही मैंने ये वर्टिकल फोर्स लगाया, ये mg 9.8 है, एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर, अब ठीक है। अब देखिए mg हमारा 9.8 है, ये फोर्स 2 है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 11.8 वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन देखिए कि अगर जब मैं इसको मूव करा रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन खिसक रहा है, और वजह बिल्कुल आसान है, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ये है, इसको mg तो काट नहीं सकता, तो n को काटना पड़ेगा, और चूंकि n बड़ा है इसीलिए ये डिस्टेंस कम है, ठीक। तो हम किसी भी समय पे ये लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन अगर x पे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स अगर सेंटर से y पे एक्ट कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट n इनटू x f इनटू y टॉर्क कट गए। तो इसको एक बार और मैं सिमुलेशन देखें,
इस तरफ, और अब अगर मैं इस फोर्स को कम किया तो ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन कोइंसाइड कर गया, यहां नॉर्मल रिएक्शन इधर खिसक गया। और नॉर्मल रिएक्शन के खिसकने की अपनी एक लिमिट है, इसमें तो लुढ़कने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे फोर्स लगाने पे टॉपल नहीं करेगा। लेकिन ये सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, इस पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन अब भी खिसक रहा है, और एक खास बात देखिए यहां फ्रिक्शन मौजूद है, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तो स्लिप कर जाता, जैसे इसी में फोर्स मैंने जीरो किया और फ्रिक्शन भी खत्म कर दो। अब इस सिमुलेशन को देखिएगा कि जो ही मैं फोर्स बढ़ाऊंगा बॉडी स्लिप कर गई। ठीक है, अब मैं फ्रिक्शन वापस बढ़ा देता हूं, अच्छा खासा फ्रिक्शन किया। अब मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन अवेलेबल है अच्छा खासा, और एक्चुअली अवेलेबल कितना है, म्यू वन है, म्यू वन है, एमजी 20 है, तो फ्रिक्शन 20 तक अवेलेबल है, और ये मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा जब तक ये 20 नहीं हो जाता ये स्लिप नहीं करेगा। अब ये फोर्स बढ़ाते 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 देखिए, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन खिसक रहा है, और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लें, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने पे इस एफ का फोर्स बढ़ाने पे इसका टॉर्क बढ़ रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बढ़ना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन दाएं तरफ खिसक जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो फोर्स लगाने पे नॉर्मल रिएक्शन खिसक गया दाएं तरफ, खिसकता गया खिसकता गया, और जो ही नॉर्मल रिएक्शन इस एज पे क्रॉस होगा, ये दरअसल टॉपलिंग का लिमिटिंग केस है, क्योंकि इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन आगे तो जा नहीं सकता, तो अगर मैंने फोर्स इससे बढ़ा दे दिया तो ये टॉपल कर जाएगा। और अगर टॉपलिंग से रोकना है फोर्स फिर कम किया, तो फोर्स जो ही जब फोर्स जीरो था नॉर्मल रिएक्शन एमजी से पास हुआ, फोर्स बढ़ाते गए टॉर्क बढ़ता गया ये टॉपल कर गया। ठीक, ये सेकंड एग्जांपल टॉपलिंग का। थर्ड एग्जांपल में ये एक बॉल है या कोई डिस्क मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अब मैं इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने वाला हूं टॉप पे। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं तो यहां दो नॉर्मल रिएक्शन देखिए, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां आ रहा है। जब ये लुढ़कने वाला होगा तो नॉर्मल रिएक्शन सीधे इससे पास होगा और यहां कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। तो देखिए फोर्स बढ़ाते गए एन कम होते होते देखिए इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो और ये टॉपल हो गया। ठीक है, तो फोर्स बढ़ाते गए ये कम होता गया ये टॉपल कर गया, फोर्स कम कर दिया वापस बैठ गया। चौथा सिमुलेशन इसी में टॉपलिंग में और आखिरी सिमुलेशन। अब मैं इस थीटा को, अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां मैं थीटा बदल सकता हूं, ये फ्रिक्शन भी बदल सकता हूं, तो किसी भी समय अभी फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर दे रहा है, mg साइन थीटा को, फ्रिक्शन कम करते जाऊं कम करते जाऊं, जो ही फ्रिक्शन टेन थीटा से कम होगा ये स्लिप करना चालू कर जाएगा। देखिए फ्रिक्शन बढ़ा दिया वापस रुक गया, कम कर दिया स्लिप कर गया, तो ये स्लिपिंग की कंडीशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रिक्शन मैंने रख दिया इनफ, अब मैं सिर्फ थीटा बढ़ा रहा हूं, अब थीटा बढ़ाऊंगा तो ये स्लिप तो नहीं करने वाला, क्योंकि स्लिप तब करेगा जब टेन थीटा टू होगा, वो तो काफी बड़ा एंगल है, लेकिन यहां देखिए नॉर्मल रिएक्शन मूव कर रहा है, यहां नॉर्मल रिएक्शन अब यहां से पास हो रहा है, और मूव कराया नॉर्मल रिएक्शन और किसका, और मूव कराया और किसका, और अब ये वो केस है जहां नॉर्मल रिएक्शन जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन आ गई। तो फिर से और टॉपलिंग की कंडीशन कब आ रही है, जब ये इससे पास हो रहा है।
तो अभी तो टॉप लिंक ही नहीं है, तो अगर हमें टॉप लिंक की कंडीशन निकालनी है तो बनेगा क्या, एन यहां से पास होगा, फ्रिक्शन यहां से पास होगा, ये एम जी साइन थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है। मैं इस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क ले लू, तो ये अगर बी बाय टू है, बेस बाय टू, ये हाइट बाय टू है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर एम जी साइन थीटा इंटू बी बाय टू, अगर ये एम जी कॉस थीटा सॉरी एच बाय टू बी बाय टू से बड़ा हो जाए, मतलब टेन थीटा बी बाय ए से बड़ा हो गया तो टॉपल कर जाएगा। अब इसका बी और ए आपस में बराबर है या बी और एच बराबर है, इसका मतलब टेन थीटा 45 डिग्री, तो टॉपलिंग का केस बनेगा जब ये एंगल 45 डिग्री होगा। देखिए 45 पे जस्ट टॉपल हो गया, ठीक। लेकिन इसी केस में अगर फ्रिक्शन कम पड़ जाता, इसी केस में ये थीटा ये है, फ्रिक्शन में काफी कम दे दूं, मैंने इतना 0.5 दिया, टॉपलिंग होनी है 45 डिग्री पे, लेकिन टॉपल के पहले ये स्लिप कर जाएगा, देखें। और क्यों? क्योंकि स्लिप कब होगा, जब टेन थीटा म्यू से बड़ा होगा। टॉपल कब होगा, जब टेन थीटा की वैल्यू बी बाय एच से बड़ी होगी, ये कंडीशन थी। तो उसमें जो वैल्यू स्मॉल होगी वो पहले हो जाएगा।